एके मिश्रा, एके मिश्रा आपको कोई हिंदू शेर भी कह रहा था। कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग, मतलब आज के 1,000 साल पहले से केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस देश को रसातल में पहुंचा दिया। पूरे ठीक किसानों है, से आंदोलन करवाएंगे कि आप करेंगे किसान, वो मोरल सपोर्ट तो डेफिनेटली बीजेपी ने हटा दिया। ये मुद्दा था एग्री इकोनॉमिक्स, एग्री बिजनेस से रिलेटेड, इसको बना दिया गया एग्री पॉलिटिक्स कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर के। हाँ बीजेपी सरकार डेफिनेटली इस चीज में बिलीव करती है कि भाई लाठी गोली डंडा आप मत चलाइए, ठीक है। अदरवाइज मैं क्योंकि अगर मिश्रा जी देखिए, मैं बोलने की कमाई खाता हूं, मैं बोलने पे आया तो बोलने नहीं दूंगा आप लोगों को, तो ठीक है, इसलिए अब प्लीज मेरी बात कंप्लीट हो जा सर रही है। ऐसे चैलेंज मत करिए सर, इतना तो ठीक है मोदी जी भी ठीक नहीं है, अच्छा करते। ठीक है, प्लीज आप ये ठीक कथा कर रहे हो। ठीक मेरा है, टर्न है, ओके मेरा ठीक टर्न है, लेकिन है मुझे प्लीज। लेना आशीष, आशीष प्लीज क्योंकि अपनी बात हमारा कीजिए। रोज का काम है 2 घंटे डिबेट प्लीज करना प्लीज सर। प्लीज ठीक प्लीज है, प्लीज ओके मुझको ओके प्लीज आप मिश्रा जी कंप्लीट करते प्लीज। दीजिए, मैंने आपकी बातों को प्लीज बहुत ही। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ बनेगा बीजेपी का किसी घटक के साथ? एके मिश्रा, देखिए पॉलिटिकल स्क्वायर है यानी राजनीतिक चक्रव्यूह अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्जेक्ट होता है। होगा कि नहीं होगा इसको समझने के लिए पहले हम इस पूरे मैटर को जो है डाइसेक्ट कर लेते हैं, डिसेक्शन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी 3-4 महीने बाकी है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बीजेपी ने अगर ये लिया है तो डेफिनेटली हम ये मान के चलिए, हम ये मान लेते हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, सारे लोग अगर पॉलिटिकल बेनिफिट बोल रहे हैं तो हम यही देखेंगे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे। देखिए सबसे पहला फायदा ये होगा कि बीजेपी को अभी कहने के लिए, पहले सारी अपोजिशन की राजनीतिक पार्टियां बोलती थी कि भाई ये तानाशाही है सरकार की, और अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो बिल वापस क्यों नहीं ले रहे हैं। एक उनके इस क्वेश्चन का आंसर बीजेपी ने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो किसानों की मांग है और अपोजिशन की पार्टियां जिसको मुद्दा बनाती चुनाव में कि भाई इतने किसान एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं तो सरकार नहीं दे रही है, तो सरकार किसान विरोधी है। बीजेपी ने बड़ी चतुराई से मेरे ख्याल से ये शायद स्टेट का सब्जेक्ट बता दिया। और अभी आपके बाइट में भी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे कि एमएसपी देने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया। तो ये जो दो मेन मुद्दे बनने वाले थे आगामी यूपी चुनाव और पंजाब, यूपी और पंजाब की ही हम बात करेंगे क्योंकि ज्यादातर किसान वहीं पे इन्वॉल्व थे और इलेक्शन भी, हालांकि पंजाब के इलेक्शंस का बीजेपी बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखती है लेकिन फिर भी सीटें जीतनी चाहिए, मैक्सिमम परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ऐसा बीजेपी का बिलीव है, सिस्टम है। तो ये दो जो ज्वलंत मुद्दे थे ये डेफिनेटली बीजेपी के पास अब एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया कि भाई अब हम किसान विरोधी तो है नहीं क्योंकि किसानों की जो दो मूलभूत मांगे थी वो हमने पूरी कर दी है। तो एक जो इथिकल बैकग्राउंड मिलता है आंदोलन के लिए और विपक्ष के लिए, वो प्लेटफॉर्म जो है डेफिनेटली बीजेपी ने एक दरका दिया है, हटा दिया है, बेस हटा दिया है। अब दूसरी चीज ये है, ऐसा नहीं है कि ये अंत हो गया सारे मुद्दों का। अब देखिए यहाँ पे एक गेम और हो सकता है जिसको जो मैं शतरंज की चाल बोल रहा हूँ, दो तीन ट्राई पार्टी है, एक तो बीजेपी है, दूसरी पार्टी में सारे विपक्ष रख लीजिए और एक किसान है जो आंदोलन कर तो रहे मिश्रा हैं। जी, हाँ नहीं तो इसमें मैं देखिए ये मानू, मतलब कहने का मतलब ये है कि देश भर के अंदर मोदी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, या फिर विश्व पटल पे मोदी को वापस जो है, जो नेशनल मंडेला को मिला था और जाते जाते ओबामा साहब ले गए थे पीस वाला प्राइज, तो उसके नहीं, लिए सब कुछ देखिए है क्या? हाँ नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जैसा पक्ष विपक्ष के सारे लोग अभी ये मीडिया पे ये चर्चा हो रही है, आत्म कृष्णा के साथ। हाँ पहली चीज मैं ये मानूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो हाँ ये बोला कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, मुट्ठी भर लोगों को, ये एक अलग हाँ विषय है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन मैं ये मानूंगा कि बीजेपी हाँ सरकार डेफिनेटली इस चीज में बिलीव करती है कि भाई लाठी गोली डंडा आप मत चलाइए, अदरवाइज बड़े बड़े आंदोलन आप देखिए आजादी के बाद से देश में करपात्री महाराज ने किए, बहुत सारे लोगों ने किए, बीजेपी का हाँ सदैव ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, कभी हाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ, कभी गोली नहीं चली, ये नहीं चला। वो आप हाँ उनको चाहे उनका नैतिक बल बोलिए, नैतिक कमजोरी बोलिए, या ये बोलिए कि अगर वो चलवाते तो वो और हवा उनके खिलाफ हो जाती, जो भी है, लेकिन ये एक प्रशंसनीय जो है काम मैं आता हूँ मानता हूँ मिजोरम कि भाई आता हूँ। पुलिस बल हाँ वगैरह अपनी जनता के ऊपर प्रहार करने के लिए नहीं होते हैं। सवाल जो अच्छा आपने ये बोला, मैं इसको ये हाँ मानता हूं कि बीजेपी ने शायद ये कानून इसलिए लिया, देखिए नोबेल प्राइज इस चीज पे नहीं मिलेगा, बीजेपी ने शायद इसलिए वापस लिया कि बीजेपी और उनके स्ट्रेटजिस्ट को ये लगने लगा कि ये मुद्दा अधर में लटक गया है, ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, ना किसी की जीत हो रही है ना हार हो रही है, और इस मुद्दे के कारण डेवलपमेंट के जो और भी बहुत सारे काम है
उसके ऊपर असर पड़ रहा है, उसकी स्पीड है पे। एटलीस्ट एटलीस्ट ठीक आदमियों के दिमाग में, जनता के दिमाग में कुछ ना कुछ एक परसेंटेज तो होता है ठीक है जिसके कारण विनोद ये सिंह, इंगेज रहता है। विनोद नहीं क्योंकि इसमें भी दाव पेच फंसे हुए हैं। ठीक है मिश्रा नहीं देखिए, जो मैं फर्स्ट फेज में जो मैंने बोला था उसी को कंटिन्यू करता हूँ। आप इस चीज को जी समझ लीजिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो डिबेट के लास्ट में पता चल जाएगा क्या फायदा मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ उसके आगे मैं कंटिन्यू करते हुए ये बोलना चाहता हूं कि एटलीस्ट ये बिल वापस लेकर के, हम केवल पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, इलेक्शंस के प्रोस्पेक्टिव से, बाकी सब फैक्टर्स को हमने हटा दिया है। डेफिनेटली बीजेपी ने कम से कम मोरल बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड, जिस न्यू के ऊपर ये आंदोलन था, और अगर ये मान लिया जाए कि इस आंदोलन को हवा विपक्ष की पार्टियां दे रही थी, चाहे पैसा देना हो चाहे मोरल सपोर्ट देना हो, वो मोरल सपोर्ट तो डेफिनेटली बीजेपी ने हटा दिया। अब विपक्ष या ये किसान बोलेंगे भाई हम गरीब हैं, अभी तक हमारी आय दुगनी तिगनी क्यों नहीं हुई, तो डेफिनेटली बीजेपी के पास एक आंसर है, सर हम इसीलिए तो बिल लाए थे, आप लोगों ने पढ़ने नहीं दिया। तो मोरल जो सपोर्ट होता था वो दरक गया है, वो खिसक गया है इन लोगों के पास। अब दूसरी चीज ये होती है कि नेक्स्ट फेज में, ऐसा नहीं है कि ये पूरी प्रक्रिया यही खत्म हो गई है, अब इसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत आप सिंपल सा लगाइए, जो किसान लोग कर रहे हैं कि जी अभी हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अब इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये भी होगा, जी अब भारत के किसानों का भला हो गया, ये नियम बना दिया तो पाकिस्तान के किसानों के लिए भी बनाइए, हम तब हटेंगे, फलाने देश के वो अंतहीन इनका मुद्दा हो जाएगा, और एटलीस्ट कम से कम इलेक्शन तक तो रहेगा, जो मुझे मोदी इनकी सरकार नीयत दिखती इसराइल है। के लिए तो बना सकती है, पाकिस्तान के लिए नहीं। इसराइल के नहीं किसान नहीं भी ये विकसित करवा नहीं देंगे है, सर, ये गैर इसराइल के भी साहब और किसान विकसित किसान, नहीं है। सर आप हद हो गई, पूरा पाकिस्तान इन्होंने तोड़ के दे दिया आजादी के टाइम पे, क्या इम्पॉसिबल है यहाँ पे। हम मुट्ठी भर लोग जिनको मोदी साहब समझा नहीं पाए, अब मुझे बोल लेने दीजिए, मुट्ठी भर लोग जिनको मोदी साहब समझा नहीं पाए, मैं 1000 साल का इतिहास बताता हूँ, बाबर मुट्ठी भर लोगों को लेकर के आया था, अगर उसी वक्त हमने समझा दिया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। अंग्रेज मुट्ठी भर थे, अगर उसी वक्त हमने समझा दिया होता, एक डिस्ट्रिक्ट के लोग मिलके जो है समझा दिए होते अंग्रेजों को, तो इतिहास कुछ और होता। अंग्रेजों ने फर्स्ट टाइम बंगाल पे अटैक किया मुट्ठी भर लोगों को लेकर के, शुजाउद्दौला का सेनापति सिराजुद्दौला अनशन पे बैठा रहा, मुट्ठी भर लोग थे सर ये, मुट्ठी भर लोग जो कभी नहीं समझते हैं, जिनको कोई नहीं समझा पाता है, वो बड़े खतरनाक होते हैं। राष्ट्रहित की बात, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, चाइना के प्राइम मिनिस्टर का थियानमेन चौक के लिए बाद मैंने बयान सुना था, उन्होंने बोला था कि अगर 10,000 लोग मर भी जाते हैं हमारे पुलिस या सेना की गोलियों से, तो राष्ट्रहित के लिए हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कुछ हाँ चीजों पे। ठीक है, हम सॉफ्ट हैं, ये अच्छी चीज है, राहुल मैं साहब मानता आता हूं बिल वापस लिया, खून खराबा नहीं हुआ। अब फायदे बीजेपी को क्या मिले? पहली चीज, आशीषवादी। जिन मुद्दों को हवा देना चाहिए था इलेक्शन में, जिसका बेनिफिट टिकैत साहब को मिलता है या विपक्षी पार्टियों को मिलता, वो मुद्दा यानी कि पटाखे में से मसाला खत्म हो गया, आप नीचे से आग लगाते रहिए, ना अनार की तरह रोशनी करेगा, ना फुलझड़ी की तरह, ना बम की तरह वो फटेगा। हालांकि चांसेस अभी और भी बहुत है, ये जैसे जैसे अपनी मांग बढ़ाएंगे बीजेपी का पॉइंट उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। देखो जी ये तो बेईमानी पे उतर आए हैं खेल में, ऐसे थोड़ी होता है, जैसे कंचे खेलते थे ना, इसने बेईमानी कर ली, तो भाई अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ये हाँ लोग गलत हैं। पब्लिक परसेप्शन। एक चीज और है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जी बीजेपी को एक कंस्ट्रक्टिव नुकसान ये हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इन द सेंस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो बीजेपी के बड़े पक्के भक्त थे वो बड़े नाराज हो गए हैं, वो टूट जाएंगे। मैं बोलता हूँ बीजेपी ने जो अपनी बॉन्डिंग डेवलप की है वो इतनी कमजोर नहीं है कि केवल एक एक निगेटिव चीज हो जाने के कारण, अगर मैं इस घटना को निगेटिव मान लू, भले ही उनका गुस्सा है, वो चिल्ला रहे हैं कुछ भी करें मिश्रा बीजेपी जी के नसीहत, लेकिन हाँ। वो वोट देते टाइम इतने जल्दी अभी नहीं छोड़ेंगे सर, इतने जल्दी निराश नहीं 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 है, नहीं ठीक है, तो वो लेकिन जो धड़ा भी ट्रेन पे मोदी के नाम पर मार कर लेता था आदमी, जो मोदी के नाम पर ट्रेन में मार देता था, ऊपर वाले सीट वाले को खींच के नीचे वाले सीट पे ला देता था, आज वो अपने कान में ऐसे जैसा एक हेडफोन आपने लगाया है वैसा लगा के बैठ जाएगा और गाना सुनेगा, कहेगा इग्नोर नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है सर। आप, मैं आपको एक चीज ये हम। बताता हूं, बल्कि ये बिल वापस लेने के बाद आप ये देखिए, जितना विपक्ष के लोग क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे थे उससे ज्यादा तो जो मोदी के समर्थक हैं या बीजेपी के समर्थक हैं वो लोग दे रहे थे। ये एक ठीक है रिएक्शन, ये भी पता कर सुनिए, ये भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट होता है जो बीजेपी ने करवाया होगा कि
कि कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है, कितनी अपेक्षा है हमारे वोटरों से हमारी, तो ये भी पता चलता है भाई रिएक्शन कौन देगा। जिसको मतलब है बीजेपी से, जो बीजेपी से अपेक्षा रखता है वही तो रिएक्शन दे रहा है कि गलत हुआ या सही हुआ। एक न्यूट्रल आदमी थोड़ी रिएक्शन देगा। तो ये बॉन्डिंग जबरदस्त है, वो लोग इतने जल्दी हटने वाले नहीं है। लेकिन विपक्ष का मुझे लगता है उनके पास कई बैकग्राउंड खत्म हो गए हैं, और विपक्ष या ये जो किसान आंदोलन करने वाले लोग हैं टिकैत साहब की टीम, ये इनकी लिस्ट बढ़ती जाएगी सर, जैसे जैसे विनोद इनकी हनुमान जी की विनोद पूंछ की तरह, सुन लीजिए सुनिए, हनुमान हाँ जी के पूंछ की तरह जैसे जैसे बढ़ेगी ना बीजेपी, हाँ उसमें पली लपेटती जाएगी और लास्ट में इलेक्शन के टाइम विनोद पे आग ठीक लगाएगी, है, रावल फिर साहब लंका आता हूँ मैं, जलेगी। रावल आप सी जिनपिंग को बुला के अपने व्यक्तिगत रिश्ते की दुहाई देके कल्ट लीडरशिप डेवलप करने की मंशा के तहत बात तो कर सकते हैं, और यहां एक तरफ लोकतंत्र की बात कहेंगे, दूसरी तरफ मिश्रा जी कहेंगे चाइना में ऐसा हुआ था। अरे भाई साहब, हम लोकतंत्र में हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना पड़ेगा। आप कैसी तुलना करते हैं, क्या तर्क देते हैं? विनोद जी सुनिए, मैंने चाइना का एग्जाम्पल इसलिए दिया था, राष्ट्रहित की बात और मुट्ठी भर जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझाया है आपको। राष्ट्रहित की बात, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाइना में, यहाँ क्या है भाई, आपने चुना है ना लोकतंत्र, लोकतंत्र आपने इसीलिए चुना कि हमारा राष्ट्र जो है सुरक्षित रहे, सारी चीजें रहे। मैं दूसरी चीज बोलता हूँ, देखिए गिनती इन्होंने शुरू कर दी है कांग्रेस वालों ने, हमने बोला था ना एक के बाद एक मुद्दे। मैं बोलता हूँ ब्लैक मनी का मुद्दा, भाई ब्लैक मनी का मुद्दा किसानों का था क्या? अगर किसानों का था तो उन्होंने उस लिस्ट में क्यों नहीं दिया? किसान अपने मुद्दे के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप अगर अरे लिस्ट बना बीजेपी रहे हैं का तो था आप कि आंदोलन, नहीं, आप आंदोलन भाजपा का करिए, था कि किसके नहीं, भाजपा का लिए था आप कि नहीं, आंदोलन मिश्रा जी करिए की ना, बात किसान किसानों से आंदोलन करवाएंगे कि आप करेंगे? किसानों का आंदोलन ब्लैक मनी के लिए, महंगाई भाजपा के का लिए नहीं था था, कि किसान नहीं, किसानों का भाजपा को आंदोलन कुछ कर रहा बिल है के कि लिए नहीं, था। किसान भाजपा ने मुद्दे की जितना बात कहा करिए सर। उसका ठीक है, उसका फिर विनोद जी एक अपनी बात खत्म कीजिए। एक मिनट सर, भाजपा प्लीज, ने जितना मैंने अपनी कहा बात उस उसका पानी दशांश का भी पानी किया खत्म कर क्या? दिया है सर। श्रीकांत जी मैं कह रहा हूं, नहीं देखिए, भाजपा ने जितना कहा ओके उसका दशांश भी किया ओके, क्या, ठीक है मैं आपको बीसवां बताता हूँ हिस्सा सर। भी किया क्या? नहीं, आता हूँ, मैं आता हूँ, देखिए मैं रावल जी के पास देखने जाऊंगा। का, प्लीज देखने का नजरिया है। देखिए मैं एक चीज हाँ, बोल दूं, आप इसको मैं फाइनल रिमार्क कोई में भी आऊंगा। सरकार, कोई भी सरकार 100% परफेक्ट नहीं होती है, और दुनिया में कोई भी आदमी जो बोलता है डिलीवर नहीं करता है, ये सारी नहीं, ये सरकारों को आगे लगता बढ़ है। के देखिए बोलिए, भाजपा, ये हाँ बोल सरकार रहा हूँ सबसे खराब सरकार है, ये सर, सरकार नहीं देखिए भी हम, अब हम देखिए आगे ही अभी बोल रहे रावल हैं, साहब सुनिए सुन ठीक है, लीजिए सुन लीजिए, मैं आगे ही बोल रहा हूँ, ये जो सरकार मुझसे अपने गृह गलत है। मंत्री के अरे सर द्वारा बोलने किसानों को दीजिए ना, कुचलने वाली सरकार है और उसकी बचाव करने वाली सरकार है। पूरी मिश्रा जी बात बोलने बोलिए, दीजिए प्लीज, आप डरते इनका क्यों है? इनका आप देखिए इनका प्रोफेसर माइक साहब से म्यूट डरते करिए क्यों सर। है? ठीक है विनोद भाई, डरिए इनका मत माइक प्रोफेसर म्यूट साहब करिए, से, सच इनका बोलिए। माइक म्यूट करिए जरा, इनका माइक म्यूट करिए। प्लीज ठीक है, देखिए प्लीज प्लीज एक चीज है, एक चीज हाँ है, जो ये किसानों का मुद्दा था, इनफैक्ट किसानों का भला होना चाहिए, आजादी के बाद से अब तक उनका भला नहीं हुआ। ये मुद्दा था एग्री इकोनॉमिक्स, एग्री बिजनेस से रिलेटेड, इसको बना दिया गया एग्री पॉलिटिक्स, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर के वो हावी हो गए। अब एक चीज आपको और बताता हूँ, ये पूछ रहे हैं क्या हुआ, मैं क्वांटिफाई करता हूँ क्या हुआ। देखिए पहले जो राजनीति होती थी वो ये होती थी कि तत्कालिक लाभ के लिए, कहीं आंदोलन हुआ, कोई कष्ट तो में है, बहुत कोई एक दीर्घकालिक लाभ उनका हो रहे किसान, हैं, दीर्घकालिक सर लाभ हो रहे हैं तो देख रहे हैं ठीक है मैं आगे व्यवस्था पहुंचता हूँ, ठीक है चरमरा विनोद जी से एक रही प्रश्न हुई है, है। सुन लीजिए विनोद जी सुन से एक लीजिए, प्रश्न है। आप, अरे हाँ सर एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, लेट मी फिनिश अदरवाइज माइंड से स्किप। होता यह था सब्सिडी दे दी जाती थी तुरंत, मतलब कि हाँ भाई आदमी भी खुश हो जाता था। दीर्घकालिक लाभ के लिए क्या है, एक डिबेट में आप ही ने बोला था, विकसित देशों का विकास तब हुआ जब उन्होंने दीर्घकालिक जितनी जरूरतें थी उसको पूरा कर दिया। क्या जरूरतें थी? रेल की थी, रोड की थी, एविएशन की थी, नहरों की थी। एक बार खर्चा लगता है लेकिन 100 साल तक हाँ इसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली आता रहता है। ये दीर्घकालिक फायदा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख ठीक रहा है, है। आप बोलिए सड़क बनाने से, एक्सप्रेसवे बनाने से कोई फायदा नहीं है, उसकी जगह मिजोरावत सब्सिडी दे दी जाए, ठीक है, दस दस रुपए मिजोरावत सबकी जी जेब में डाल जी दी जाए, शाम का खाना हाँ हाँ खाने के लिए पर्याप्त, एक टाइम की भूख ठीक मिट गई, ये है, यही देश के विकास का सबसे बढ़िया ओके ठीक रास्ता है। है ठीक है अगले दिन पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जेल के अंदर डाल दिया गया था, किस प्रकार की बात करपात्री जी करते हैं आप? महाराज का उदाहरण है, करपात्री जी महाराज और प्रदर्शन कर रहे थे, गो हत्या बंद करने के लिए गोलियां चली थी, राम मंदिर देख लीजिए, चली थी, राम नहीं मंदिर, राम राम मंदिर पे विरोध करने के लिए, राम प्रदर्शन जन्मभूमि करने के लिए आंदोलन गए जो थे। है, मिश्रा जी दो तीन और उदाहरण बता दूंगा मैं जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन था उसके अंदर किस प्रकार से इनके साथियों, जो इनके बार बार साथी रहे हैं, उन लोगों ने गोलियां चलाई थी और उसके बाद किस प्रकार का रिएक्शन दिया था,
ताजा उदाहरण और जो उसने है माफी नहीं किसी मांगी की आज तक माफी भी नहीं मांगी। इतने बेशर्म लोग लेकिन कि 500 लेकिन लोग मर गए, लेकिन माफी मांगने की सोच भी नहीं रहे। आप तो 500 की बात कह रहे हैं मिश्रा जी, आज तक गांधी परिवार के किसी ने नहीं मांगी। सही बात है। वो दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान था वो राजीव गांधी जी का था। लेकिन मैं आज हाँ इससे अलग बात कहना चाहता हूँ, मैं जल्दी से अपनी बात कहूंगा। मैं तीन अलग अलग पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। पहली बात तो, क्योंकि वकील साहब ने भी एक सवाल पूछा था, उसका भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट का, आप उस पर गोली नहीं चलवा सकते। और भगवान के लिए जानवर स्क्वायर जैसी घटनाओं का जिक्र मत किया करिए डिबेट में। दूसरी राम चीज मंदिर के ये है बारे में कि सर क्या बोलेंगे? राम मंदिर पे गोली पूरा चलवा सकते हैं संविधान के हिसाब से? अयोध्या ठीक है, कौन उसका समर्थन में कौन जो कर हुआ रहा है है। मिश्रा जी, उसका समर्थन कौन कर रहा है? उन्होंने गलत नहीं, किया, आप उसका समाजवादी पार्टी की सरकार संविधान को। के जो आप वो भी थ्यानमेन चौक से कम नहीं है सर, उससे ज्यादा ही था। तो बोल दीजिए ना कि मैं उसकी छाया सपोर्ट कर हमारे रहा यहाँ हूं भी है। आपको, वो सरासर गलत हुआ, लेकिन आप उसको ये मत कहिए इमरजेंसी में कि क्या सरकार कहेंगे? ने इन किसानों के ऊपर वो क्यों नहीं मेरे अप्लाई कहने का किया। देखिए, मैंने सबसे पहले दूसरी बोला चीज, था नो नो कि प्लीज लाठी और गोली लेट मी देश के फिनिश, ऊपर प्लीज नहीं चलनी लेट ओके चाहिए। मिश्रा जी। देखिए मैं बोलने मैं बोलने की कमाई खाता हूं, मैं बोलने पे आया तो बोलने नहीं दूंगा आप लोगों को, तो ठीक है, इसलिए प्लीज मेरी बात कंप्लीट हो सर जाएगी। ऐसे चैलेंज मत करिए सर, इतना तो ठीक है मोदी जी भी प्लीज, नहीं अच्छा करते। ठीक है प्लीज, चलो ये तो ना करें। ठीक बाबा है मेरा टर्न, ठीक मेरा है टर्न है, ठीक लेकिन है प्लीज। आशीष आशीष प्लीज क्योंकि अपनी बात, हमारा रोज का काम है 2 घंटे प्लीज डिबेट प्लीज करना प्लीज सर। प्लीज प्लीज ठीक है, प्लीज ओके मुझको ओके प्लीज आप मिश्रा जी, कंप्लीट कर प्लीज। दीजिए, मैंने आपकी बातों को बहुत ही। एके मिश्रा, आपको कोई हिंदू शेर भी कह रहा था। एके मिश्रा 10 सेकंड फाइनली मात्र, नहीं देखिए बात हिंदू शेर की नहीं है, बात होता है जो हजारों लाखों साल से ये देश का सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है वो अमर होना चाहिए। पार्टियां तो आती रहेंगी, उससे कंप्रोमाइज नहीं। मैं अभी भी बोलूंगा, देखिए हजारों साल से, लगभग 11वीं शताब्दी से इस देश की समस्या केवल एक है। वकील साहब बोल रहे थे उनकी बातें सही है। देखिए है क्या, कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग, मतलब आज के 1000 साल पहले से केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस देश को रसातल में पहुंचा दिया। पूरे ग्लोबल दुनिया भर में जितना पैसा है, 53% पैसा इंडिया से लूट के गया हुआ है। मैं ये बोलना ठीक है चाहता हूं, अपने देश के ऊपर लाठियां नहीं चलनी चाहिए, लेकिन हमें इन मुट्ठी भर लोगों को पहचानना चाहिए और उनके नवाब साथ साहब जो दस ट्रीट सेकेंड होना चाहिए वो होना ओके मिश्रा चाहिए। जी,